रतलाम में पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह से एनडीटीवी ने एक्सक्लूसिव बातचीत की है। इस दौरान उन्होंने कैलाश विजयवर्गीय के प्रदेश के सभी सीटों को जीतने के दावे पर तंज कसा। दिग्विजय सिंह ने कहा कि कोशिश तो हमारी भी है कि हम सभी सीटें जीतें। वहीं समान नागरिकता कानून पर कहा कि 10 साल तक शासन किया तब क्यों नहीं लाए। लोकसभा का चौथा चरण नजदीक है और ऐसे में छिंदवाड़ा के बाद जो बताया जाता है कि छिंदवाड़ा सीट के बाद जो है वह रतलाम झाबुआ संसदीय सीट जो है वह बहुत अहम मानी जाती है, कांग्रेस का गढ़ रही है। हालांकि 2014 में इसमें बीजेपी जीत गई थी लेकिन फिर बाय इलेक्शन के बाद कांग्रेस ने अपनी कब्जा जारी रखा। 2019 में फिर मोदी लहर के चलते बीजेपी इस सीट पे आ गई है। अब ये चुनाव बहुत इंपॉर्टेंट है कांग्रेस के लिए भी। सर, आदिवासी सीट है, कितनी मेहनत है और क्या लग रहा है आपको? मेहनत पूरी है, अच्छी तरह से लड़ाई लड़ेंगे। उम्मीदवार हमारे परिपक्व हैं, अनुभवी हैं, लोकप्रिय हैं, वो जीतेंगे। प्रदेश में अभी हमारी जो है वो कैलाश विजयवर्गीय रतलाम में आए थे अभी कुछ दिन पहले, उनसे हमारी बात, उनका कहना था कि प्रदेश की सारी जो सीटें हैं वह बीजेपी जीतेगी। कोशिश तो हमारी भी कि हम जीते। आरोप भी उन्होंने कांग्रेस के ऊपर काफी लगाए हैं, कहा है कि आप जो है वो समाज को बांटने की कोशिश कर रही है कांग्रेस। मजाक करते हैं आप, हम बांट रहे हैं, ये तो भगवान राम तक को बांट रहे हैं। ये तो इनको बिना समाज को धर्म के नाम पर बांटने के बिना चुनाव नहीं लड़ सकते। तो कह रहे थे कि समान नागरिकता कानून जो है उसको सिर्फ अगर किसी में दम है तो वह सिर्फ मोदी ही है जो ला सकते। बताएं तो कानून 10 साल तक क्यों नहीं लाए, लाए तो। अच्छा, एक बात और भी कह रहे थे कि राम मंदिर को लेकर के जो बात चल रही है, जो पूरा जो चुनाव है वह राम मंदिर पर लड़ा जा रहा है, क्या आप क्या मानते? क्या जो हमारा कानून है चुनाव लड़ने का, पीपल्स रिजर्वेशन एक्ट, उसमें ये इजाजत देता है धर्म के नाम पर वोट मांगने इजाजत देता है? क्या चुनाव आयोग के मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट में ये इजाजत देता है? दोनों का उल्लंघन हो रहा है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया क्यों कार्रवाई नहीं कर रही है, क्यों चुप बैठी है? हम लोग कुछ भी कह दें, हमको नोटिस, और मोदी जी खुलकर इसका धर्म के नाम पर वोट मांगे, उनको नोटिस क्यों नहीं जाता? ये निष्पक्षता से काम नहीं कर रही चुनाव आयोग। जी बिल्कुल निष्पक्ष। वे पीसीसी जो अध्यक्ष है जीतू पटवारी पर यहाँ लगातार जो है तकरीबन 5 FIR हो चुकी है, और आपको क्या लगता है कि FIR क्यों हो रही है? किस बात पर हुई? तमाम FIR हुई है, अलीराजपुर में भी हुई है, किस बात? जीतू पटवारी पे पॉस्को एक्ट के मामले में मामला दर्ज हुआ है, पॉस्को को लेकर के मामला दर्ज हुआ है। जीतू पटवारी और जीतू पटवारी पे पॉस्को कहाँ लगेगा? जी हुआ है पॉस्को लगा है सर, पॉस्को की धारा के अंदर जो है मामला दर्ज हुआ है उसके अंदर। तो मुझे फैक्ट्स तो बताइए, क्या है फैक्ट्स? एक बच्ची थी, 10 साल की बच्ची थी जिसका रेप हुआ था, और उसकी जो उनके घर पहुंच गए थे विक्रांत भूरिया और ये, उसको लेकर के उनके ऊपर मामला दर्ज हुआ। नहीं, क्या बात कर रहे हैं, पहचान उजागर कर लेगा। अच्छा, इंडिया गठबंधन के बारे में भी कैलाश विजयवर्गीय ने बोला है कि कोई नेतृत्व नहीं है, कोई आपके पास कुछ है नहीं, अब सिर्फ झगड़ा चल रहा है उसमें। कोई झगड़ा नहीं है, हम लोगों ने डॉक्टर मनमोहन सिंह को चुनकर सबने मिलकर बनाया था, 10 साल सरकार हमारी अच्छी चली कि नहीं चली? बिल्कुल। तो यह दिग्विजय सिंह थे जो बता रहे थे कि कोई भी झगड़ा नहीं है, और सरकार जो है और जो सीटें हैं वह मध्य प्रदेश में कांग्रेस जीतेगी। रतलाम से साजिद खान, NDTV।